व्हाट्सअप मॉटर्स, तो फाइनली वन प्लस 12 लॉन्च हो गया है। आई नो कि आप लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे, बट थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है। ग्लोबली एट इंडियन मार्केट में ये January 23, 2024 को डेब्यू करेगा, तो कुछ दिन का इंतजार और कर लो। इस वीडियो में हम वन प्लस 12 के स्पेसिफिकेशन, कैमरा, एक्सपेक्टेड इंडियन प्राइस एंड क्वालिटी कंट्रोल इशूज, वो भी है, सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। बट उससे पहले आपको इनबॉक्स एक्सेसरीज इसके साथ क्या क्या मिलेगा वो बता देता हूँ। बॉक्स में स्मार्टफोन के अलावा एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक केस मिलता है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टिकर्स मिल जाएंगे। सिम इजेक्टर पिन है और एक 100 वॉट का पावर अडेप्टर विथ टाइप C2C डेटा केबल वन प्लस के सिग्नेचर रेड कलर में। वन प्लस 12 में 6.82 इंचेस का 2K रेजोल्यूशन के साथ प्रो HDR BOE X1 LTPO डिस्प्ले है, कपल्ड विथ 1Hz टू 120Hz अडेप्टिव रिफ्रेश रेट, 2160Hz PWM डिमिंग, 1600 nits टिपिकल ब्राइटनेस एंड 4500 nits पीक ब्राइटनेस, विच आई गेस हाईएस्ट है अभी तक इन द स्मार्टफोन इंडस्ट्री। कर्व डिस्प्ले है, 93.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। 10-bit कलर डेप्थ है, 510 PPI पिक्सल डेंसिटी है, साथ में 100% DCI-P3 कलर गैमेट सपोर्ट, 12B विजन, HDR 10+ सपोर्ट एंड डिस्प्ले मैट A+ रेटिंग भी मिल जाता है। डिस्प्ले स्मूथ, शार्प एंड ब्राइट है, आपको गेमिंग एंड कंटेंट वॉचिंग दोनों में मजा आएगा। बस इस खूबसूरत से डिस्प्ले पे ग्रीन, रेड और पिंक लाइन देखने को ना मिले तो बेहतर होगा। वैसे यही BOE पैनल ओप्पो फाइंड एक्स 6 प्रो में भी यूज किया गया था एंड उसमें अभी तक कोई ग्रीन लाइन इश्यूज नहीं आया है, होपफुली वन प्लस 12 में भी ना आए। वन प्लस 12 क्वालकॉम के लेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन एजेंट 3 के साथ आता है। रिसेंटली 12 दिसंबर को ही IQOO 12 इस प्रोसेसर के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ है, बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है, उसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको वन प्लस 12 एंड IQOO 12 का कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। स्नैपड्रैगन एजेंट 3 TSMC के 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसका की प्राइमरी कोर 3.3 GHz पे क्लॉक है, 3 कोर 3.15 GHz पे, 2 कोर 2.96 GHz पे एंड बाकी के 2 कोर 2.26 GHz पे क्लॉक है। GPU Adreno 750 मिलता है। वन प्लस 12 19.7 lakhs के अराउंड N22 benchmark स्कोर करता है, विच इज अमेजिंग। इसके साथ आप सभी गेम्स हाईएस्ट सेटिंग्स पे बड़े आराम से प्ले कर पाओगे एंड ज्यादा हीटिंग इश्यूज भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें काफी बड़ा हीट डिसिपेशन सिस्टम एंड VC कूलिंग सिस्टम आता है। 12GB 16GB एंड 24GB रैम ऑप्शन है, विच इज LPDDR5X टाइप, और 256GB 512GB एंड 1TB स्टोरेज ऑप्शन है, विच इज UFS 4.0 टाइप। ये अभी के टाइम पे फास्टेस्ट रैम एंड स्टोरेज टाइप है, तो रीड एंड राइट स्पीड बहुत ही फास्ट मिलेगा। परफॉर्मेंस इस फोन का सॉलिड है, बट सैडली यही सेम चीज फिलहाल में इसके बिल्ड क्वालिटी को लेकर नहीं कह सकता, क्यों वो थोड़ी देर में बताता हूँ। बट उससे पहले मैं इसके डिजाइन के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ऑनेस्टली मैं इस डिजाइन से थोड़ा सा बोर हो गया हूँ, मुझे इस बार थोड़ा अलग डिजाइन देखना था, पर कोई नहीं। ऑल्दो कम्पेयर टू वन प्लस 11 कैमरा हाउसिंग का साइज इंक्रीज हो गया है, टेक्स्ट एंड LED फ्लैश को रिपोजिशन किया गया है एंड लुक वाइज ये ज्यादा पॉलिश लग रहा है। फ्रेम एल्युमिनियम एलॉय का है, बैक पैनल पे ग्लास है एंड फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन मिल जाता है, और IP65 रेटिंग दिया, बट IP68 देना चाहिए था। इसका थिकनेस 9.15 mm है एंड वेट 220 grams। फोन बड़ा एंड बल्की फील होता है बिकॉज ऑफ ह्यूज स्क्रीन, बिग बैटरी एंड मेटेलिक फ्रेम। वन प्लस 12 रिसेंटली ही चाइना में लॉन्च हुआ है और कुछ चाइनीज पीपल फोन के क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज को लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी के कैमरा के नीचे गैप है, किसी में एक्सेस ग्लू है और किसी के ग्लास के नीचे तो मच्छर दबा हुआ है। ऑल्दो ये प्रॉब्लम सारे फोन में नहीं है, बस कुछ में है, बट होपफुली वन प्लस इसे जल्दी रिजोल्व कर दे, स्पेशली ग्लोबल लॉन्च से पहले, और ग्लोबल एंड इंडियन मॉडल में हमें ये क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज देखने को ना मिले। वन प्लस 12 का 3 कलर ऑप्शंस मिलता है, फर्स्ट इज मैट ब्लैक, दूसरा ग्लॉसी सॉर्ट ऑफ सिल्वरिश व्हाइट कलर है एंड थर्ड इज ग्रीन कलर, जो काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सियल है। मुझे ये मॉडल बाथरूम टाइल वाला फीलिंग देता है। वन प्लस 12 के रेयर पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप है, प्राइमरी कैमरा 50 MP का है विद YS सपोर्ट, ये सोनी लाइट 808 सेंसर है जो कि सोनी का न्यूली डेवलप सेंसर है एंड नेक्स्ट ईयर बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स में आपको देखने को मिलेगा। और बोला जा रहा है कि जो वन प्लस 11 में सोनी MX890 सेंसर था ये उससे बेटर परफॉर्म करेगा एंड टॉप ऑफ दैट हैसलब्लैड का कलर कैलिब्रेशन भी मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 64 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है विद सपोर्ट 3x ऑप्टिकल जूम एंड 100x डिजिटल जूम। यह ओमनीविजन 64B सेंसर है जो अभी तक हमने काफी सारे फोन्स में देख रखा है। टर्शियरी कैमरा 48 MP का IMX581 अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है विद 114° फील्ड ऑफ व्यू। प्राइमरी सेंसर मैक्सिमम 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है अप टू 24fps। 32 MP का सेल्फी कैमरा है एंड सेल्फी कैमरा से भी आप 4K 30fps रिकॉर्डिंग कर पाओगे, विच इज गुड।
बैटरी 5400 mAh की है तो काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 100 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 100 वॉट का चार्जर भी बॉक्स में मिल जाएगा जो कि फोन को अराउंड 26 मिनट्स में 0 to 100% चार्ज कर देता है। साथ में 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग एंड 10 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है। इन टर्म्स ऑफ ऑडियो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, काफ़ी अच्छे स्पीकर से डुअल माइक्रोफोन भी है एंड स्पेशियल साउंड सपोर्ट भी मिल जाता है। OnePlus 12 Android 14 पे रन करता है विद ColorOS 14.2 स्कीन, बट ग्लोबल वर्जन OxygenOS 14 के साथ आएगा। बायोनिक वाइब्रेशन मोटर टर्बो है सो टाइपिंग एंड गेमिंग के वक्त हैप्टिक रिस्पांस बढ़िया मिलेगा। अल्ट्रा थिन ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, IR ब्लास्टर भी है एंड बाकी दुनिया भर के सभी सेंसर्स मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी फीचर्स में आपको मिलेगा लेटेस्ट वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, USB 3.2 Gen 1 है और यही आपके ऑडियो पोर्ट का भी काम करेगा बिकॉज 3.5mm जैक नहीं है एंड न्यू अपग्रेडेड 360 डिग्री गेमिंग साउंड एंटीना मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो चाइना में OnePlus 12 के 4 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। बेस वेरिएंट 12GB प्लस 256GB का प्राइस अप्रॉक्स 51,300 रुपीज है। 16GB प्लस 512GB का प्राइस अप्रॉक्स 57,300 रुपीज है। 16GB प्लस 1TB का प्राइस अराउंड 63,300 रुपीज है एंड टॉप वेरिएंट 24GB प्लस 1TB का प्राइस अप्रॉक्स 69,200 रुपीज है। ये कन्वर्टेड प्राइस है। जहाँ तक मुझे लगता है इंडिया बेस का बेस वेरिएंट 8GB प्लस 128GB से स्टार्ट होगा और वो सब जो 16GB प्लस 1TB 24GB प्लस 1TB वाला वेरिएंट है वो इधर नहीं आने वाला, वो चाइना एक्सक्लूसिव ही रहेगा। और क्योंकि बैटरी एंड कैमरा डिपार्टमेंट में अपग्रेड है तो एक्सपर्ट्स के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल सकता है, बट मेरे ख्याल से OnePlus 11 का जो प्राइस है 57,000, OnePlus 12 भी उसी प्राइस पे इंडिया में लॉन्च होगा। और अगर प्राइस बढ़ता है तो इंडिया में OnePlus 12 का बेस वेरिएंट 60,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिलेगा। सो प्राइसिंग को लेकर या ओवरऑल OnePlus 12 को लेकर आपके क्या थॉट्स एंड ओपिनियन है कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। और 3-4 दिन पहले ही iQOO 12 इंडिया में लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ, 50,000 रुपीज के अराउंड बेस्ट गेमिंग फोन है। उसके बारे में और जानने के लिए टॉप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वही मिलता हूँ। एडियोज़।